प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में 2 दिवसीय 14वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का सफल समापन हुआ। देश विदेश से आए प्रतिभागियों की पहली पसंद बनी प्रेस्टीज की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर अपनी बहुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 14वें संस्करण वर्ष 2023 के सफल समापन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया योगदान समाज में देने की एक सराहनीय पहल है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर ने शिक्षाविदों, औद्योगिक जगत से विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों के लिए एक साझा मंच प्रदान कर उन्हें एक सूत्र में पिरोने में जो सफलता प्राप्त की है वो शोध के क्षेत्र में पुनः एक नया आयाम स्थापित करेगी। इस वर्ष आयोजित होने वाली 14वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्रीज 4.0 ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन एवं शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस मुख्य विषय पर आयोजित की गई। इस अवसर पर समापन सत्र पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से महावीर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह, सम्मानीय अतिथि के रूप में साउथ अफ्रीका से प्रोफेसर रविंद्र रैना, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स DUT बिजनेस स्कूल, दूसरे सम्मानीय अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के अंकुर मोदी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, मुख्य वक्ता के रूप में उच्च न्यायालय से FA शाह अधिवक्ता मध्य प्रदेश मौजूद रहे। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के निदेशक एवं 14वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. निशांत जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस निश्चित ही वैश्विक स्तर पर एक नया मुकाम हासिल करेगी। कॉन्फ्रेंस के समन्वयक डॉ. गौरव जायसवाल ने बताया कि इस बार 14वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को 2 दिनों में 6 तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया। बेस्ट फैकल्टी का पुरस्कार डॉ. तारिका सिंह को प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान के द्वारा 2022-23 के लिए दिया गया। मैं अगर आज के ओकेजन पे देखूं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह से एजुकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह के हमारी यंग जनरेशन है, अगर मैं तीनों चीज़ों को मिलाता हूँ तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हमारे यंगस्टर्स के लिए, इवन हमारे जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं आउटसाइड इन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स हम बाहर की दुनिया को देखें, समझें बाहर क्या बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को देखकर फिर हम अंदर बदलाव लाएं, और जो बदलाव हम लेके आए दैट बदलाव हम कहते हैं कि इनसाइड चेंज शुड बी ग्रेटर देन आउटसाइड चेंज, अगर आपको सच्ची में सक्सेस प्राप्त करनी है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं इस कॉन्फ्रेंस को, बहुत अच्छी है। आपको मैंने देखा है कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, तो बाहर के लोगों का क्या विचार, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, इवन एजुकेशन के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रही है, हमें एज ए टीचर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी रादर देन वहाँ से भागे टेक्नोलॉजी से। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी अगर हम इस टेक्नोलॉजी को स्लेव नहीं बनाएंगे, जब तक मतलब मेक्स टेक्नोलॉजी स्लेव, दैट मीन्स आप टेक्नोलॉजी को अपनी मर्जी से यूज करें, किस पर्पज़ के लिए यूज करना है, बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने के लिए। ये कहा जाता है कि अगर मेरा ये फर्म मानना है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलूँगा तो मैं एज ए टीचर मेरी क्लास में इरेलेवेंट हो जाऊँगा। तो मुझे डिसाइड करना है कि टेक्नोलॉजी का काम कहाँ पर करूँ, और वो काम करूँ टेक्नोलॉजी के ओवर एंड अबव जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, स्टूडेंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिठाना, स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलप करवाना, उनको इमोशंस में हेल्प करना, वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी कंटेंट दे देगी लेकिन उस कंटेंट को यूज़ कैसे करना, विजडम डेवलप नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी। तो विजडम तो केवल टीचर ही उनको इस तरह की एक्सरसाइज देना, इस तरह के उनको एक्सपीरियंस देना, वही कर सकता है। तो आज के ज़माने में जब से NEP 2020 आई है, सरकार ने इसमें काफ़ी बदलाव लाए हैं एजुकेशन में। अगर उन बदलावों को प्रभावित रूप से क्लासरूम के अंदर लाना है तो हमारे टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मैं आज मेरे टीचर्स से बात करूंगा कॉन्फ्रेंस में वैलिडेटरी फंक्शन में, तो वो बहुत ही उपयोगी होंगी उनके लिए, और वो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए जो प्रिपेयर करेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे,
मैं कह रहा हूँ फ्यूचर चैलेंजेस या फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स वो होंगे जो आज के दिन उस प्रॉब्लम्स को सोच नहीं सकते, वैसी प्रॉब्लम्स को उनको हैंडल करनी पड़ेंगी। ये ना दिस इज इंटरनेट के जो एप्लीकेशंस हो रहे हैं विच इज हेल्पिंग द इंडस्ट्री टू मूव इनटू मोर ऑटोमेशन, उसकी तरफ है। ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इंडस्ट्री में अब लेबर्स का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, रोबोटिक्स का ज़्यादा हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे टू डे बेसिस पे बढ़ती जा रही है। आज हम दुकान नहीं जाते, हम जाते हैं अमेजोन के ऊपर या हम जाते हैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स के ऊपर, और वहाँ पर हमारे को ईज़ ऑफ परचेज ज़्यादा महसूस होता है, हमें उनके प्राइस रेट्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है। दिस इज़ नथिंग बट मशीन इज़ लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ हेल्पिंग देम टू अचीव द सेल टारगेट्स। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इन के मैनेजमेंट एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, नई थियोरीज किस तरीके से बनेंगी। तो जो आपने मेरे से एक सवाल पूछा भी, इसको यूथ का क्या फ़ायदा है, आज जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, वो उनको एक नया डायरेक्शन मिलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, अब उन्हें आगे और क्या करना चाहिए, इसका बेनिफिट है। देखिए हम हर साल लेटेस्ट टॉपिक्स जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं आए हैं अभी उनको नज़र में रख के, जो रिसर्च के नए एरियाज में उनको नज़र में रख के इन कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करते हैं, और इससे हमारे फैकल्टी स्टूडेंट्स और देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स को एक सोच मिलती है। देखिए आज हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन है, निष्कर्ष लगभग ये निकल के आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजीज इनेविटेबल हैं और इनको हमें अपने एकेडमिक सिलेबस में भी इंक्लूड करना चाहिए और इनके ऊपर और व्यापक रिसर्च करना चाहिए ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट के एरियाज में हम फर्दर काम कर पाए। गेस्ट सर कहाँ कहाँ से? देखिए हमारे पास गेस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अक्रॉस इंडिया से आए हैं।